कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे जितने भी बीएड और बीटीसी के प्रशिक्षु थे, यानी जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में काफ़ी निराशा का माहौल बना हुआ था। क्यों? क्योंकि सुनने में खबरें आ रही थी कि अभी हाल ही में ये चीज़ पता चली है बच्चों को कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है वो पर्याप्त है, यानी कि सफिशियंट डाटा है उनके पास, और अभी हाल फिलहाल में शिक्षक भर्ती सुपर टेट निकालने की कोई भी योजना नहीं है। इस खबर को सुनने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रशिक्षुगण होंगे वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा मायूस होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपकी मायूसी को ऐसे करके दूर करूँगा, क्योंकि जी हाँ, जिस खबर का आपको इंतज़ार था वो खबर लेके हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, जैसा कि मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, DSSSB यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अभी हाल ही में बहुत ही बम्पर भर्ती का अनाउंसमेंट किया है। ऐसी भर्ती जो इससे पहले DSSSB ने कभी नहीं निकाली इतनी ज़्यादा तादाद में। आप देख रहे हो कि पिछले कुछ टाइम से जितनी भी केंद्र सरकार की भर्तियाँ आ रही हैं वो बेटा बहुत बड़े अमाउंट में आ रही हैं, इतने बड़े अमाउंट में जितना बड़ा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वैसे ही DSSSB ने इस बार किया है। DSSSB ने इस बार, जब DSSSB को सबसे पहले RTI डाली गई थी, यानी कि उनसे पूछा गया था कि आपके पास कितनी क्या वैकेंसी है, किस पदों के लिए कैसी वैकेंसी है, तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि हमारे पास 12,191 पद खाली हैं। लेकिन जब दोबारा RTI, अभी जो हाल फिलहाल लेटेस्ट RTI उनके पास डाली गई है, उसका जो उन्होंने रिप्लाई दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि हमारे पास 16,546 वैकेंसी हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं 12,191 से सीधे 16,546, यानी 4,400 समथिंग वैकेंसी एक्स्ट्रा निकल के आ गई है। और ये जो वैकेंसी है ये भी आपकी टेंटेटिव है, यानी इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और अभी हाल फिलहाल में जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है, जितनी भी वैकेंसीज निकल के आई हैं, उनमें टेंटेटिव वैकेंसीज में हमेशा इंक्रीमेंट ही हुआ है, कभी भी वो वैकेंसीज डिक्रीज नहीं हुई हैं फिलहाल के जो एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो आप मान के चलो ये 16,546 आपकी अप्रॉक्स 17,000 वैकेंसी आपके सामने खुल चुकी है, और DSSSB की वैकेंसी है, इसका मतलब वैकेंसी आपकी टाइम से रिजल्ट निकाल के क्लियर होने वाली है। ठीक, आज हम लोग DSSSB में क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, किस किस पद पे कितनी वैकेंसीज खाली हैं, हम योग्य हैं या नहीं हैं, अगर योग्य हैं तो किस तरीके से एग्जाम देने को मिलेगा, सिलेक्शन होने के क्या चांसेस हैं क्या नहीं है, इनके बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। और हाँ, जानकारी प्रोवाइड करने से पहले आपके लिए खास सूचना, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, आप इस वीडियो को और हमारे चैनल को फैलाइए अपने ग्रुप में, ताकि उनको भी पता चले कि उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर आ चुका है। तो नंबर ऑफ पोस्ट सबसे पहले कौन सी है देखते हैं। पहले 12,191 थी, लेकिन उनको बढ़ा के कर दिया गया 16,546 वैकेंसीज। इसमें से PRT की, यानी कि प्राइमरी टीचर, जिसके लिए BEd और BTC दोनों के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, उनकी जो वैकेंसी है वो 1,079 है। ये आपकी वैकेंट वैकेंसी है, यानी कि ये वैकेंसी अभी खाली है फिलहाल। TGT की बात की जाए तो TGT में 10,956, ये जो है ये आपके लिए जैकपॉट है। PRT में तो वैकेंसी है ही है, लेकिन PRT में आप देख सकते हैं PRT से लगभग 10 गुना ज़्यादा वैकेंसी TGT, ये बेटा आपके लिए बम्पर जैकपॉट है। ठीक, PGT की बात करें तो PGT में सिर्फ 638 वैकेंसी है, लेकिन PGT के लिए 638 सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि PGT में इन दोनों को करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए होता है PG। ठीक है, तो 638 PGT के लिए भी बहुत वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है 376, योगा टीचर की है 496, लाइब्रेरियन की है 312, ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है 572, म्यूजिक की है 182 और असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है 153। ये बेसिकली जो आपकी वैकेंसी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये इन पे आपको फोकस कर सकते हैं जिनके पास इन सारी चीज़ों से संबंधित डिप्लोमा है, जिन स्टूडेंट्स के पास, उनके लिए वैकेंसी है। वरना जो मोस्टली, यानी मेन आपको फोकस करना है, वो आपको इन तीन वैकेंसीज पे करना है, क्योंकि हमारे इंडिया में BEd BTC किया हुआ स्टूडेंट ऐसा बहुत सारा है जो इन तीनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, इन तीनों में भी खास तौर पे ये दोनों। PGT के लिए आपको PG चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं कि किस एग्जाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए और एग्जाम किस तरीके का आपका होने वाला है। उससे पहले PGT में आप देख सकते हैं जो 10,956 पोस्ट हैं, इनमें जो कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे होम साइंस होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, उसमें मैंने आपके जो बेसिक चार सब्जेक्ट्स होते हैं, जो चार स्ट्रीम्स होती हैं जिनमें बच्चा BA या BSc करता है, मैंने उनको उठाया है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स,
हिंदी में 1092 पोस्ट खाली हैं, इंग्लिश में 2072 पोस्ट खाली हैं, साइंस में 2331 और एज यूजुअल जैसा कि हर TGT एग्जाम में होता है सबसे ज़्यादा पद किस में खाली हैं, मैथ में खाली हैं 2951, यानी कि लगभग 3000 पोस्टें आपकी मैथ में खाली हैं। ठीक, तो बेटा TGT वालों के लिए आप कह सकते हैं कि इससे सुनहरा अवसर आपको आपके स्टेट में भी नहीं मिल सकता जितना सुनहरा अवसर आपको DSSS भी दे रहा है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम किस तरीके से होगा। देखिए एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी हो सकता है। इस चीज़ की जानकारी जब DSSS भी अपना पूरा नोटिफिकेशन आउट करेगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि जो हाल फिलहाल में सेंट्रल के एग्जाम हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। चेंजेस का मतलब जैसे अभी आपने देखा होगा CGL में चेंज कर दिया गया, CGL का Tier 2 पूरी तरीके से बदल के रख दिया गया, कई पोस्ट उसमें ऐड कर दी गई। तो इस तरीके से सेंट्रल में जब आपका DSSS पूरी तरीके से अपना नोटिफिकेशन आउट करेगा तब हमको क्लियर होगा कि कौन से एग्जाम ऑनलाइन होंगे कौन से ऑफलाइन होंगे। बहरहाल दोनों तरीके के एग्जाम आपके हो सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे पता चल जाएगा कि सिलेक्शन आपको कितनी इजीली मिल सकता है या कितना दिक्कत हो सकती है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे सारे वो MCQs होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपके 200 होते हैं। KVS अभी आप देख के आए हैं उसमें 180 क्वेश्चन थे, इसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि KVS से संबंधित आपको एक खबर देनी है मुझको कि लखनऊ कैंट ने अभी अपनी KVS की वैकेंसीज निकाली है, संविदा भर्ती, जिनकी लास्ट डेट कल है 15 मार्च। अभी 7-8 से फॉर्म भरना शुरू हुआ था और 15 मार्च उसकी लास्ट डेट है। एक हफ्ते के लिए सिर्फ वेबसाइट खुली थी और एक हफ्ते के लिए, यानी कल आपका लास्ट डेट है। और उसको फॉर्म भरने का तरीका यह है कि आप लखनऊ KVS वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे जाके आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर्म का, PDF में पड़ा हुआ है। ठीक है, जब आप PDF पे जाके क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको भरना है, प्रिंट निकलवा के ऑफलाइन नहीं भरना है, उसको आपको ऑनलाइन ही भरना है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी PDF बनानी है और उस PDF में फॉर्म के अलावा जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं जैसे 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, बीएड मार्कशीट और सीटेट पास, ये भर्ती जो है वो आपकी सीटेट पास के लिए, ये आपको 5 है और एक अपना ID प्रूफ, ये आपको 6 स्लाइड्स जो हैं वो और लगा देनी है आपके फॉर्म के नीचे। और इस तरीके से आपकी 7 या 8 पेज की पूरी PDF बन जाएगी और उस PDF को आपको KVS कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर KVLS करके जीमेल आईडी है, यहां पे मैं लिख देता हूं साइड में, चलिए यहां पे लिख देते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर KVLS@gmail.com। ठीक है, ये आपकी ईमेल जीमेल आईडी है जिसपे आपको अपनी PDF को सेंड कर देना है और फिर वहां से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। उस भर्ती में आपको रिटर्न एग्जाम नहीं है, संविदा भर्ती है, तो वहां पे आपको इंटरव्यू के थ्रू ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो कल से पहले अपना फॉर्म इस वाले जीमेल पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने DSSS पे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 200 क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चंस आपके दो शिफ्ट में होंगे, पहली शिफ्ट के 100 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट के 100 क्वेश्चन होंगे, दोनों MCQ। ठीक है, पहली शिफ्ट में जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो 20-20-20-20 करके 5 पार्ट्स में होते हैं। जैसे SSC में 4 पार्ट्स में होते हैं, इसमें आपके 5 पार्ट में होते हैं। 20 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल अवेयरनेस के, उसमें आपका करंट अफेयर्स भी आ सकता है, GK भी आ सकता है। 20 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी के होंगे जैसा कि आपने KVS वगैरह में दिया होगा, लेकिन इसमें रिमझिम नहीं आएगी जो KVS में पूछी गई थी, इसमें आपकी नॉर्मल हिंदी आएगी। 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे जो कि आपके जनरल लैंग्वेज पे बेस्ड होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स पे बेस्ड होंगे, पैसेज वगैरह भी आएगा। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। तो यानी कि इन 100 क्वेश्चंस में आपके 20-20 के 5 पार्ट हो गए। जो सेकेंड शिफ्ट बचती है 100 क्वेश्चन की, उसमें आपने जो स्ट्रीम चुनी है या जिस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप PRT के लिए देने जा रहे हैं तो PRT में जो लास्ट के 100 क्वेश्चन है वो सबके सब किस पे आएंगे, पेडागॉजी पे बेस्ड आएंगे। पेडागॉजी आपकी CDP की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, हिंदी की भी हो सकती है, मैथ की भी हो सकती है। ठीक, उसके अलावा अगर आप TGT PGT के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड आएंगे। जैसे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन मैथ से किया है तो उनके लिए जो TGT का पेपर होगा उसमें जो लास्ट के 100 क्वेश्चन होंगे वो आपके 12th लेवल तक के मैथ के क्वेश्चन होंगे। जो साइंस के लिए अप्लाई करेंगे उनके साइंस के क्वेश्चन होंगे। अच्छा हाँ, इसमें आप देख रहे हैं जो साइंस की जो वैकेंसी है 2331, इसमें बेटा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल साइंस की वैकेंसी निकाली है, पार्ट वाइज अभी नहीं निकाली गई है। ठीक, PGT में क्या होगा, जिन्होंने PG अपने जिस सब्जेक्ट से किया है 100 क्वेश्चंस उसके आने हैं। ठीक है,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, केवीएस का जब आप पेपर दे रहे थे तब आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ा था, आप आराम से 180 में 180 क्वेश्चन हिट करके आए थे। लेकिन DSSSB में नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो केवीएस का एग्जाम आप देके आ रहे थे उसमें आपने 180 में 180 क्वेश्चन हिट कर दिए थे क्योंकि वहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन DSSSB में क्या है, आपको 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं 200 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन आपका एक मार्क का होता है, यानी 200 नंबर का पेपर है और एक क्वेश्चन को गलत करने पे आपका 1.25 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा, यानी कि चार क्वेश्चंस गलत होने पे एक आपका सही क्वेश्चन भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है और इसीलिए आपका जो इस वैकेंसी को अचीव करने में कह सकते हैं ये आपका एक बहुत बड़ा आपके सामने ऑब्स्टेकल है नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब नहीं होती तो बच्चा बड़ा रिलैक्स होकर पेपर देके आता है और उसके रिलैक्समेंट में क्या होता है, कई उसके तुक्के भी सेट हो जाते हैं। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होती तो उसका प्रेशर एक अलग ही लेवल का होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म भरने के काबिल हैं, क्योंकि हमने सब कुछ तो बता दिया कैसे पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा, क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, सब कुछ बता दिया। लेकिन अब वही चीज़ है कि ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से बच्चे फॉर्म भरने के लायक हैं, किनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं PRT की। PRT यानी 1079 पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, PRT में BEd और BTC दोनों एलिजिबल हैं। सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके अलावा आपका BEd, DLED या कोई भी डिप्लोमा एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। ठीक, लेकिन वो आप पास्ड होने चाहिए, अपीयरिंग वाले फॉर्म इसमें नहीं भर सकते हैं, इसमें आपको पास आउट होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि आपको सीटेट का फर्स्ट एग्जाम यानी जो प्राइमरी लेवल का होता है सीटेट, वो भी पास होना चाहिए। अच्छा, उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या जो दिल्ली के रहने वाले हैं यानी जो दिल्ली डोमिसाइल वाले हैं उनके लिए तो ऐसा है कि जनरल वालों को 90 मार्क्स चाहिए 150 में और OBC वालों को 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है, 150 में। लेकिन जो अदर स्टेट का बच्चा है वो जनरल और OBC दोनों को 90 मार्क्स कम से कम उनके पास होने चाहिए 150 में, तभी वो PRT के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक, TGT की बात करें तो TGT में भी आपको 12th पास आउट मांगा है प्लस BEd पास्ड होना चाहिए। TGT में BTC वाले एलिजिबल नहीं हैं, ठीक, लेकिन BEd वाले एलिजिबल हैं और BEd आपका पास आउट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि TGT के लिए आपको CTET का सेकंड पेपर पास करना चाहिए, फर्स्ट पेपर को कोई वो नहीं है लेकिन CTET में सेकंड पेपर पास होना चाहिए अगर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। यानी कि जो 10,956 वैकेंसी यानी लगभग 11,000 वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल तभी हो पाएंगे जब आपका सीटेट सेकंड पेपर पास होगा। और पास होने के साथ साथ यही कंडीशन आपकी इसमें भी लगी हुई है कि अदर स्टेट का अगर कोई बच्चा है तो जनरल या OBC दोनों को कम से कम 150 में 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, यानी कि 60% आपके होने चाहिए। ठीक, PGT के लिए क्या है, PGT के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ PG पास आउट मांगा गया है, कोई सीटेट की यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं लगाया गया, सिर्फ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप PGT के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का वीडियो, DSSSB में जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनमें कितनी वैकेंसी किस फील्ड में आई है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे कैसे एग्जाम आएगा आपका। और इस वीडियो को आपको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके आसपास के सभी स्टूडेंट्स और आपके आसपास के सभी दोस्तों को इस चीज़ की जानकारी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी समझ में आ गई है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इसके आगे जैसे ही DSSSB अपना नोटिफिकेशन अनाउंस करेगा हम आपके लिए DSSSB से संबंधित सभी क्लासेस आपकी रेगुलर चलने लगेंगी इसी चैनल पर। आपको हर एक टॉपिक को जो आपका इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और इस चीज़ के लिए हमारे चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।